Hello students, today's topic is CCTV. We all are familiar with this name, that is CCTV. So what is CCTV? CCTV हम सिर्फ उसके शॉर्ट नेम से जानते हैं. जो CCTV stand करता है, that is for closed circuit television. C for closed, again C for circuit and TV for the television. सो बेसिकली आप उसको सीसीटीवी बोलते हैं, सीसीटीवी इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं. तो सो सीसीटीवी स्टैंड्स फॉर क्लोज सर्किट टेलीविजन एंड इट इज कॉमनली नोन एज वीडियो सर्विलेंस. सो आप जो ये नेम देख रहे हैं सीसीटीवी, इसमें सीसी मीन्स दैट इज क्लोज सर्किट मीन्स ब्रॉडकास्ट आर यूजुअली ट्रांसमिटेड टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ मॉनिटर्स लाइक TV. That's why this is called CCTV. CCTV networks are commonly used to detect criminal activities and record traffic infractions, but they have other uses. They have different uses. But basically, जिन चीजों के लिए CCTV सबसे ज्यादा beneficial हुआ है अभी तक, that is for detecting criminal activities and record traffic infractions. Okay. So CCTV technology was first developed in 1942 by German scientists to monitor the launch of V2 rockets. It was later used by American scientists during the testing of atomic bomb. So basically this is some introduction about and some history related to CCTV. अब हम CCTV applications देखते हैं. The first one is crime management. तो CCTV का जो basically use होता है that is for the क्राइम मैनेजमेंट, कि आप सीसीटीवी फुटेज लेके उसको एज अ डेटा आप दिखा सकते हैं कोर्ट पे. तो बेसिकली जो सीसीटीवी सर्विलेंस कैन डेटा पोटेंशियल क्रिमिनल्स व्हेन अ क्राइम डज अकर, वीडियो फुटेज कैन हेल्प लॉ एनफोर्समेंट टू इन्वेस्टिगेट एंड लेटर प्रोवाइड एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन इन अ लो कोर्ट. तो बेसिकली आप इस तरह से सीसीटीवी फुटेज को वीडियो रिकॉर्डिंग उसकी हेल्प लेके, सीसीटीवी फुटेज की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है उसकी हेल्प लेके आप इस तरह से क्राइम मैनेजमेंट में इसको यूज कर सकते हैं. यूज्ड इन कंजक्शन विद सीसीटीवी, ऑडियो थर्मल एंड अदर टाइप्स ऑफ सेंसर कैन अलर्ट ऑफिशियल्स टू अकरेंसेस दैट आर आउट ऑफ द ऑर्डिनरी. एग्जाम्पल अ फायर और गन शॉट्स एट अ लोकेशन फॉर बिजनेस सीसीटीवी कैमराज कैन डिटेक्ट एंड मॉनिटर इन हाउस क्रिमिनल एक्टिविटीज. प्रिजन्स में यूज वीडियो surveillance to prevent drones from delivering drugs and other contraband to prisoners. तो बेसिकली क्या होता है कि आप जहाँ पे प्रिजन को आप रखते हैं, दैट इज जिसे आप जेल कहते हैं, आप वहाँ पे सीसीटीवी अगर लगा रहे हैं तो जो अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज आपकी रहती हैं कि कुछ इलीगली तरीके से प्रिजन जो आपका कैदी है उसको आप कुछ सामान दे रहे हैं, वो सब आप एक फुटेज पे आपका अगर आपको मिल जाता है तो ये सब चीजें ऑन द रिकॉर्ड देख के कम की जा सकती है. इसीलिए सीसीटीवी का जो मेन एडवांटेज मिल रहा है वो क्राइम मैनेजमेंट में ज्यादा मिल रहा है. सेकेंड इसका एप्लीकेशन हम बोल सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट. यूजिंग सीसीटीवी कैमराज एमरजेंसी सर्विसेज एंड रेस्क्यू वर्कर्स आर एबल टू एक्सेस एंड मॉनिटर इवेंट्स इन रियल टाइम टू रिले अ सिचुएशन बाय अ वीडियो टू डिजास्टर मैनेजमेंट टीम्स. एग्जाम्पल फ्रॉम इनसाइड अ बर्निंग बिल्डिंग, फ्रॉम अ केव और फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर फ्लाइंग ओवर अ सीन. डिजास्टर मैनेजमेंट मीन्स अगर आपके कुछ प्लेसेस पे जहां पे को कि आपको लगता है कि डिजास्टर होने की पॉसिबिलिटीज होती है या फिर कुछ जो आप एज्यूम नहीं कर सकते कि ये डिजास्टर पॉसिबल है, अगर वहां पे कोई सीसीटीवी आपकी फुटेज लगी हुई है तो बाद में जब अगर वो घटना घट भी गई है उसके तुरंत बाद भी आप वीडियो रिकॉर्डिंग से ये पता कर सकते हैं, देख सकते हैं कि एक्चुअल पे ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, जो डिजास्टर हैपन हुआ, ये किस तरीके से हुआ. तो अगर ये इस तरीके से हुआ है तो नेक्स्ट टाइम से हम उस चीज को उसे प्रिवेंट कर दें. तो बेसिकली ये एक डेटा कलेक्शन का भी काम कर रहा है. नेक्स्ट वन इज सिटी एंड कम्युनिटी स्ट्रीट मॉनिटरिंग. कैमराज एट ट्रैफिक लाइट्स एंड एल्सवेयर इन सिटीज मॉनिटर पीपल टू गैदर ट्रैफिक स्टैटिक्स एज वेल एज एविडेंटरी फुटेज फॉर स्पीडिंग एंड हियर टू द आईओटी. द एओटी इज अ शिकागो इनिशिएटिव टू कलेक्ट रियल टाइम डेटा प्राइमली वेदर एंड एनवायरमेंट अबाउट द सिटी. सम सेंसरी नोट्स इंक्लूड सिक्योरिटी कैमराज दैट एनालाइज द इमेज दैट रिकॉर्ड बट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स प्राइवेसी डू नॉट ट्रांसमिट और स्टोर दीज इमेजेस. इन द मेन अ लिमिटेड नंबर आर स्टोर्ड फॉर यूज बाय सीनियर रिसर्चर इन ऑर्डर टू डेवलप द कंप्यूटर विजन सॉफ्टवेयर. द प्रोजेक्ट हैज मेट विथ सम रेजिस्टेंस फॉर प्राइवेसी
सो सिटी एंड कम्युनिटी स्ट्रीट मॉनिटरिंग, मतलब आप कई जगह पे सिटीज पे ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं कि कोई डेटा आप कोई कंपनी एनालिसिस करना चाहती है उसके लिए भी आप सीसीटीवी लगाए रहते हैं, अलग अलग जितनी भी आपकी लेन्स हैं उन पे लगाए रहते हैं, तो ये सब आपके सीसीटीवी के क्या हैं, यूजेस हैं। नेक्स्ट वन इज मेडिकल मॉनिटरिंग एंड मेडिकल मॉनिटरिंग एंड डायग्नोसिस। तो कई हॉस्पिटल्स में आपका सीसीटीवी लगाए जाते हैं, पेशेंट के केबिन्स में आपके सीसीटीवीज लगाए रहते हैं, उनके बिहेवियर को नोटिस करने के लिए आप सीसीटीवी का यूज कर सकते हैं, कि आप ये देख सकते हैं कि अस्थमा पेशेंट को अस्थमा अटैक आने की पॉसिबिलिटीज रहती है। तो कई केसेस में आपके हॉस्पिटल्स में इंडिविजुअल पेशेंट को ऑब्जर्व करने के लिए भी आप सीसीटीवी फुटेज का यूज करते हैं या सीसीटीवी का यूज कर सकते हैं, और वो जो फुटेज आपको मिली वो आप उसके डेटा के लिए, उसकी हिस्ट्री के लिए आप सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज बिहेवियरल रिसर्च। तो सीसीटीवी यूज टू रिसर्च सुसाइड फाउंड दैट 83% ऑफ पीपल अटेम्प्टिंग टू थ्रो देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अ ट्रेन शोड स्पेसिफिक बिहेवियर्स। दीज वेर लेटर एनालाइज फ्रॉम सीसीटीवी फुटेज एंड आर नाउ यूज टू अलर्ट मॉनिटर वॉचेस टू पोटेंशियल सुसाइड्स। तो बिहेवियर रिसर्च मतलब कुछ ऐसे आपके पॉइंट्स रहते हैं जो बहुत पीक पे रहते हैं, या आप बोल सकते हो कि ट्रेन के आगे आके बहुत सारे सुसाइड पहले हो जाया करते थे, बट अब सीसीटीवी फुटेज से आपको ये डेटा मिलता है और आप पहले ही आप कॉन्शियस हो जाते हो कि आप देख लेते हो कि कुछ घटना आपकी घटने वाली है, या कोई ऐसा सुसाइडल पॉइंट जहाँ पे कोई जाके कोई सुसाइड करने की कोशिश करता है। तो ये सारी चीज़ें भी जो बिहेवियर एक ह्यूमन बीइंग का रहता है वो भी सीसीटीवी फुटेज द्वारा ऑडियो के थ्रू, वीडियो के थ्रू आप देखते हैं, नोट करते हैं, एनालिसिस करने के लिए वो डेटा आपको मिलता है। और कई जगहों पर ये पता चला है कि यहाँ पर कुछ सुसाइडल पॉइंट्स क्रिएट हो रहे हैं तो उन पर भी बैन लगता है। नेक्स्ट वन इज रिटेल इंटेलिजेंस। ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है सीसीटीवी का। अब बेसिकली रिटेल इंटेलिजेंस मतलब क्या, आप समझे कि आप इसमें क्या होता है, आईटी टूल्स यूज करते हो टू मेजर द कंज्यूमर्स बिहेवियर विद इन चेन्स और एस्टेब्लिशमेंट। सपोज दैट कि कोई कंपनी कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाह रही है, बट वो देखना चाहती है कि ह्यूमन बिहेवियर इस प्रोडक्ट को लेके मार्केट पे चलेगा या नहीं चलेगा, ये प्रोडक्ट इसका ह्यूमन बिहेवियर क्या रहेगा इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। तो वो जगह जगहों पर एक सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करते हैं और ये चेक करते हैं कि किस शॉप पे फीमेल्स ज्यादा है, किस पे मेल्स आपका ज्यादा जा रहा है, या ये प्रोडक्ट जो हम लॉन्च करने वाले हैं ये चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि उनका अट्रैक्शन ह्यूमन बीइंग का उस तरफ है या नहीं है, या किस एज वालों का उस प्रोडक्ट की तरफ है। तो जगह जगह पे सीसीटीवी लगा के आप ये डेटा को एनालिसिस करते हो, 3 महीने के प्रीवियस हिस्ट्री डेटा को आप एनालिसिस करते हो और फाइंड करते हो कि हाँ प्रोडक्ट आपका मार्केट पे आपका उतारने लायक है या नहीं है, या फिर आपको प्रॉफिट देगा या नहीं है। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द सीसीटीवी, दैट इज नोन एज द रिटेल इंटेलिजेंस। ओके, अब हाउ डज अ सीसीटीवी वर्क। तो सीसीटीवी आपका बेसिकली क्या वर्क, कैसे वर्क करता है, जो आप अभी जो सीसीटीवी वर्क कर रहे हैं वो जिस प्रोसेस पे वर्क करते हैं दैट इज नोन एज द रेट्रोफिटिंग। अब रेट्रोफिटिंग एक्चुअल पे आप किसे बोल सकते हो, कि जो आपके मॉडर्न सीसीटीवी नेटवर्क्स होते हैं यूज कन्वर्जन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टू कन्वर्ट एनालॉग टू डिजिटल। और इसी प्रोसेस को आप जो आप नेटवर्क का कन्वर्जन कर रहे हो इसी प्रोसेस को आप बोलते हो रेट्रोफिटिंग। अब जो प्रीवियस टाइम होता था वो एनालॉग और डिजिटल सिस्टम के कन्वर्जन करने का डिफरेंट होता था, बट जो ट्रेडिशनली जो यूज होता है दैट इज डिफरेंट, और जो आजकल यूज हो रहा है दैट इज नोन एज द रेट्रोफिटिंग। अब जो बेसिकली एक सीसीटीवी होता है, जो सिस्टम होता है वो क्या क्या चीजें कॉम्प्रोमाइज करता है वो हम देखते हैं। द फर्स्ट वन इज वन और मोर कैमरास ईच विद अ लेंस इक्विप्ड विद अ इमेज सेंसर, अ रिकॉर्डर ईदर अ स्टैंडर्ड वीडियो टेप रिकॉर्डर फॉर एनालॉग सिस्टम और अ डायरेक्ट वीडियो रिकॉर्डर और नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर फॉर डिजिटल सिस्टम, केबल्स ईदर RJ45 फॉर डिजिटल और कोएक्सियल फॉर एनालॉग, एंड वन और मोर मॉनिटर्स टू विच द इमेजेस आर ट्रांसमिटेड। तो बेसिकली जो सीसीटीवी वर्क करेगा उसके लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, एक कैमरा विद द इमेज सेंसर, दूसरा आपका रिकॉर्डर, तीसरा आपका केबल्स, और चौथा जहां पे को आप ये सारी चीजें डेटा को स्टोर करोगे या जहां पे को आपको ये सारी चीजें दिखेगा दैट इज द मॉनिटर। ओके, सो नेक्स्ट इज आपका जो वर्क रहेगा, बेसिकली कैमरा क्या वर्क करेगा,
a camera records images through the lens using image sensors. Then these images are transmitted to the recorders or tape either wirelessly or by cables. तो ये आपका केबल का यूज हो जाएगा. Recorders may use analytical software and other smart technologies to scan the data and send automated alerts to either humans or other system and devices. This video management software, that is also known as the VMS, records, stores and analyzes video feeds. The software is often self-learning using machine learning ML algorithm that utilizes functionally like motion detection, face recognition, people counting, etc. और जो मॉनिटर्स आपको जहाँ पे को ये सब मिलेगा कैन बी पैसिवली और एक्टिवली मॉनिटर्ड. या तो आप थ्रू सॉफ्टवेयर के थ्रू आप उसको मॉनिटर कर सकते हो या फिर पार्टिकुलरली एक आप केबिन्स क्रिएट कर सकते हो या केबिन्स क्रिएट होते हैं पार्टिकुलरली फॉर द मॉनिटराइजेशन ऑफ दी सीसीटीवी. सीसीटीवी नेटवर्क्स कैन एंड शुड देमसेल्व्स बी मॉनिटर्ड. ओके, सो दीज आर सम बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड सम एप्लीकेशन रिगार्डिंग सीसीटीवी. TV. Thank you.